खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में नवरात्रि का पर्व इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर शहर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस बार जगह जगह गरबा भी शहर में देखने को मिलेगा। नवरात्र में गरबे का एक अलग ही महत्व माना जाता है, जिसके चलते कई समितियों द्वारा शहर में गरबा महोत्सव आयोजित किया जाता है। वहीं जय मां अम्बे सेवा समिति द्वारा 30 सितंबर को सेकेंड स्टॉप स्थित नर्मदीय मंदिर परिसर में गरबा का आयोजन कराया जाएगा। समिति की अध्यक्ष रूपाली शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में भाभी जी घर पर है की फ्रेम, शुभांगी अत्रे फिल्म कलाकार विवेकानंद पांडे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट बबलू मैथ्यूज के साथ ही सिंगर अनिल श्रीवास, राज वर्मा, अंचल सेन, गायत्री मेहरा सहित विभिन्न आर्टिस्ट इस गरबा महोत्सव में शामिल होंगे और गरबा संगीत के साथ ही गरबा नृत्य की शानदार प्रस्तुति देंगे। जो हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं वो मध्य प्रदेश से, अभी विवेकानंद पांडे हैं जो अभी अभी कुछ फिल्मों में आया है, और बबलू मैथ्यूज और अन्ना इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे। गायत्री मेहरा है और एंकर में विकास यादव रहेंगे हमारे साथ, तो वो पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम सभी को, सारे भोपाल के सदस्य, सारे भोपाल के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन बेसिकली तो हमने दक्षिण पश्चिम के लिए किया था, पर ये बढ़ते बढ़ते हम ऐसा होता जा रहा है कि हम सभी को इसमें आमंत्रित करना चाहते हैं। और एक चीज़ फिर से बोलना चाहेंगे कि ये निःशुल्क है, सबके लिए ओपन है, सब आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, गरबे का लुत्फ उठाएँ और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। और हम लोग कुछ कुछ और भी इवेंट्स करवाएंगे, शुभांगी जी को भी देखने आए, आप सबसे यही निवेदन है। सबसे पहली वजह तो ये है कि वो मुझे और मतलब मेरे जितने भी लोग हैं मिलने वाले, उनको बहुत पसंद आती हैं, भाभी जी उनको कहा जाता है, और वो काफ़ी पॉपुलर हैं, हमारे समाज की हैं। और ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि कोई महिला आर्टिस्ट ही आए, इसीलिए हम उनको बुला रहे हैं। सर, गरबे में पर्यटन मंत्री, नवरात्रि का त्यौहार, हम लोगों को आस्था का त्यौहार है नवरात्रि का त्यौहार, तो ये हम लोगों की देवी के प्रति आस्था को देखते हुए और साथ ही उनके मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें सभी महिलाएं सजधज के तैयार होकर आती हैं और गरबा करती हैं, यानी कि उनमें बहुत उत्साह और खुशी का संचार होता है, एक नई ऊर्जा उनको मिल जाती है। तो यही देखते हुए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें सभी बाहर के कलाकार आएंगे और आप सभी भी पधारे इसमें, तो आप सभी आमंत्रित हैं। सामाजिक जो नर्मदा समाज से जुड़े हुए 29 को भी है वो, लेकिन जो ये आर्टिस्ट हैं ये 30 को आएंगे, लेकिन 29 को है वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस हो रही है नर्मदा मंदिर और नर्मदा सेवा समाज में। जो आर्टिस्ट वो करेंगे, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेंड लोग हैं वो रहेंगे। इसमें तीन घेरे रहेंगे, एक घेरा जिसमें ये ट्रेंड होंगे, दूसरे में जनरल और तीसरा, इस तरह से उसका पूरा सेटअप जमाया हुआ है। और मैं, आपने कुछ बोलना है? खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।